हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक हो जहाँ पे भी हो। एंड वेलकम टू द फर्स्ट डे ऑफ ऑनलाइन है। आज जो फर्स्ट डे है उसमें मैं आप लोगों को टूल्स का नॉलेज दूंगी, क्या क्या आपके वैनिटी में आपको रखना है, ये सब कुछ ए टू जी एक्सेसरीज से लेके सब कुछ मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगी। नॉलेज, एक्सेसरीज, ये सब कुछ मैं आप लोगों को आज के वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले जब भी हम लोग हेयर स्टाइल करना चाहते हैं तो आप लोगों के पास बहुत जरूरी है कि सब टूल्स हो। अगर आपके पास टूल है ना तो आप लोगों को लगेगा कि आप लोग एकदम क्वीन हो। सीरियसली, मतलब टूल्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। राइट टूल्स है तो राइट हेयर स्टाइल्स आप लोग बना सकते हो। एक बार आप लोग टेक्निक सीखे कैसे बनाना है और आपके पास राइट टूल्स है तो एकदम परफेक्ट हेयर स्टाइल्स आप लोग बना सकते हो गाइस। तो सबसे पहले हम लोग पिंस के बारे में बात करेंगे। तो पिंस में आप लोगों को तीन चार टाइप्स के पिंस होने चाहिए आपके पास। तो यू पिंस का मैं पहले बता देती हूँ, साइज का होना चाहिए, ऐसे बड़ा साइज का। ओके, तो ये बड़ा साइज का यू पिन हम लोग बंस में सब डाल सकते हैं। तो ये ऐसे बड़ा साइज का एक होना चाहिए। आई थिंक इसका नंबर ये 80 mm का है। हाँ, 80 mm का है। आपको कहाँ से ये सब खरीदना है ना, ये सब कुछ मैं आपको नंबर दे दूंगी। अगर आपके यहाँ पे भी आसपास शॉप है तो आप लोग ले सकते हो, या तो फिर मयूर से मैंने लिया था जब मैं मुंबई में थी तभी, मयूर क्रिएशंस। और ये 249 का पूरा इतना बॉक्स आ जाता है। 249 rupees का है ये, पूरा इतना बॉक्स आता है। ये 80 mm का है तो ये बहुत ही परफेक्टली हेयर को होल्ड करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ये 60 mm के क्लिप्स, ये थोड़े छोटे हैं उससे। ये हम लोग बंस में वगैरह सब डालते हैं। तो ये 8 नंबर का है, ये 6 नंबर का है। तो ये देखो इतना फर्क है। ये आप लोगों को एडवांस हेयर स्टाइल्स के लिए एंड ऑल ऐसे रखते हैं ना हम लोग, और फिर ऐसे गैपिंग पुलिंग सब करते हैं तो उसमें ऐसे बड़े पिंस लगते हैं। ये छोटे छोटे पिंस आप लोग बन में लगा सकते हो, किसी के बाल लंबे तो आप लोग ऐसे बड़े भी लगा सकते हो उनके बंस में एंड ऑल, तो वो हो जाएगा इसमें। तो ऐसे एक साइज का, एक 60 mm का है, एक 80 mm का है। फिर आपको चाहिए ये ऐसे छोटे छोटे पिंस, ये बॉब पिन है, ऐसे बॉब पिंस आपको चाहिए छोटे छोटे साइज के जो होते हैं। बड़े साइज के भी चाहिए, वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ऐसे वाले बॉब पिंस आपको लेने हैं। तो मैं मोस्टली ऐसे जो ऐसे डिजाइन वाले होते हैं ना वैसे वाले लेते हो। आप लोग फ्लैट पिंस भी ले सकते हो, वो भी अच्छा बैठता है। नेक्स्ट देखो, ये वाले जो है ना ये इनविजिबल पिंस है गाइस, ये 100 रुपए 200 रुपए में मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे मिल जाते हैं। ओके, आप लोग ऐसे होलसेल यहाँ से लेना। ये इनविजिबल पिन होते हैं। मैंने आपको एक छोटा ये वाला भी दिखाया, बॉब पिन, छोटा पिन, जहाँ पे ना यहाँ पे एक्सेसरीज जब भी लगाते हैं ना हम लोग, पिंस या हेयर बैंड्स वैसे साइड में जो लगाते हैं, तो वैसे आप लोग पिंस लगा सकते हो। ये इनविजिबल पिंस होते हैं। अगर किसी का बेबी हेयर है ऐसे निकला हुआ तो उसको कैसे फिक्स करना है, यहाँ से अगर आपने जो एक्सेसरी लगाया थोड़ा सा निकल गया है तो आप लोग यहाँ पे उसको ऐसे फिक्स कर सकते हो। ये दिखते नहीं है और फिर देखो ये ऐसे फोल्ड भी हो जाते हैं इजीली, तो आप लोग इसको ऐसे लगा के ऐसे फोल्ड कर दोगे ना तो एकदम अच्छे से बैठ जाते हैं बालों में, तो बहुत इजीली ये फोल्ड हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग इनविजिबल पिन। तो ये होना ही चाहिए आपके पास। कोई भी बाल निकला है, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ होगा, एक्सेसरी निकल गया है, तो जल्दी से आप लोग इसमें ऐसे फिक्स कर सकते हैं। कौन से साइज के पिंस चाहिए बताया मैंने, एक छोटा साइज चाहिए, एक बड़ा साइज चाहिए, यू पिन में भी 60 mm का, 80 mm का, और फिर एक इनविजिबल पिन। तो बॉब पिंस और यू पिंस का मैंने आपको बताया। नेक्स्ट मैं आप लोगों को क्लिप्स के बारे में बताऊंगी। तो आप लोगों को देखो ये ऐसे स्टील के सेक्शन क्लिप्स चाहिए। सेकेंड, आप लोगों को ऐसा एक साइज चाहिए, जब भी आप लोग कर्ल करते हो ना तो कर्ल को हम लोग को ऐसे होल्ड करना होता है, तो उसके लिए हम लोग को छोटा सेक्शन क्लिप चाहिए। ये क्या होता है, जब बड़े सेक्शंस निकालते हैं ना उसको हम लोग होल्ड करते हैं इससे। और फिर एक होता है ये क्रोकोडाइल क्लिप। अगर इसमें और इसमें आपको कंपेयर करना है गाइस, तो ये क्रोकोडाइल क्लिप बहुत अच्छा होता है, क्योंकि क्रोकोडाइल क्लिप में आप जब भी बाल रखते हो तो देखो यहाँ से बंद हो जाता है तो बाल इसके अंदर ही रहते हैं। पर सेक्शन क्लिप जो होते हैं ना, ऐसे ऐसे टाइप्स के जो क्लिप्स आते हैं, अगर आपने बाल यहाँ पे रखा है तो देखो यहाँ से ओपन ही रहता है तो बाल नीचे स्लाइड हो सकते हैं। तो इसलिए क्रोकोडाइल क्लिप्स आपके पास कंपलसरी होना चाहिए। तो ये तीन स्टाइल के क्लिप्स आपके पास होने चाहिए, ये 1, 2, 3। ये डोनट, ये एक छोटा साइज का, एक बड़ा साइज का भी डोनट चाहिए आपको। फिर एक रोलर चाहिए आपको, अगर किसी के बालों में बिल्कुल वॉल्यूम नहीं है फ्रंट हेयर में अगर, तो आप लोग को उसको रोल करके रखना होता है, तो रोलर आपको चाहिए वॉल्यूम लाने के लिए। तो रोलर के बाद नेक्स्ट मैं आप लोगों को अभी कॉम्ब्स के बारे में बताऊंगी। ये टेल कॉम्ब ऐसे स्टील वाला ही चाहिए, क्योंकि इसमें आप लोग ऐसे सेक्शंस ले सकते हो। प्लास्टिक का भी आता है हैंडल, अगर आपको लग रहा है कि इससे दर्द होगा आपके क्लाइंट को तो फिर आप लोग प्लास्टिक का भी ले सकते हो, बट ऐसा एक टेल कॉम्ब आपको चाहिए। नेक्स्ट आपको ऐसा एक पैडल ब्रश चाहिए, ऐसा वाला। फिर
मेरे पास ये ऐसा पैडल ब्रश भी है जिसमें से ब्रश भी है, यहाँ पे पैडल है, यहाँ पे ब्रश है। नेक्स्ट आपको ये ऐसा एक छोटा सा एक ब्रश चाहिए। अगर आपको ये नहीं मिलता है गाइस, तो आप लोग टूथब्रश भी रख सकते हो, ठीक है। कोलगेट टूथब्रश नहीं, कोई भी नॉर्मल जो टूथब्रश मिलते हैं ना, वैसे टूथब्रश रख सकते हो, बट ये अच्छा है। ओके, तो और ये छोटे है। ये क्यों चाहिए आप लोगों को? जब ये बेबी हेयर जो होता है ना, उसको सेट करने के लिए आपको चाहिए। इस पर अगर आपने स्प्रे किया, कोई भी आपका होल्डिंग स्प्रे जो है ना, वो इस पर आपको स्प्रे करना है और फिर ऐसे उसको ऐसे ब्रश कर दोगे ना, तो सारे बेबी हेयर बहुत ही अच्छे से सेट हो जाते हैं। जैसे हम लोग सब्यसाची लुक्स एंड ऑल करते हैं, तो तभी हम लोगों को एकदम नीट हेयर चाहिए, राइट, बिल्कुल भी फ्लाईओवर्स वगैरह नहीं चाहिए। तो उस केस में आप लोगों को ऐसे ब्रश की जरूरत पड़ेगी। और फिर एक चाहिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट, वो है ये राउंड ब्रश। तो कौन से ब्रश मैंने आपको बताए हैं? राउंड ब्रश चाहिए आपको, पैडल ब्रश चाहिए आपको, और आपको चाहिए टीजिंग कॉम्ब। ओके, टीजिंग कॉम्ब मेरा भी मिल नहीं रहा है, बट आप लोगों को टीजिंग ब्रश मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, आप लोगों को ऐसा वाला एक टीजिंग ब्रश चाहिए। सो टीजिंग ब्रश चाहिए आपको, टेल कॉम्ब चाहिए, राउंड ब्रश, पैडल ब्रश, ये सब कंपल्सरी। अभी कोई कोई लोग पैडल ब्रश से ही ब्लो ड्राई करते हैं, उसी को यूज करते हैं, बट मैं ब्लो ड्राई राउंड ब्रश से करती हूँ, मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता है। बट आपके ऊपर है, आप लोग को चाहिए तो आप लोग पैडल ब्रश से भी कर सकते हो, बट राउंड ब्रश फिर भी आप रखना अपने पास, क्योंकि इसमें अच्छा वॉल्यूम वगैरह ऐड हो जाता है बालों में, तो मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता है राउंड ब्रश। राउंड ब्रश के अलग साइजेस आते हैं, मीडियम, लार्ज, छोटा साइज भी आता है। बहुत छोटे बाल है किसी के तो आपको छोटा राउंड ब्रश लगेगा, मीडियम मीडियम वालों रबर बैंड्स के बारे में बताना चाहते हैं। तो रबर बैंड में एक सिल्की रबर बैंड आता है, कैसे रफ वाले आते हैं, ठीक है, तो ऐसे रफ वाले रबर बैंड्स लीजिए गाइस, ये बहुत अच्छे। पर खींचने के बाद ये बराबर होल्ड करना चाहिए इलास्टिक, कोई कोई खींचने के बाद एकदम ही लूज हो जाता है, वैसे रबर बैंड्स नहीं चाहिए आपको, ऐसे वाले लीजिए जो थोड़े रफ होते हैं, ये बालों में अच्छे से बैठते। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि लूप कैसे बनाना है आपको। तो आपको ये एक रबर बैंड लेना है, ये एक रबर बैंड लेना है, दोनों को ऐसे आगे पीछे रखिए, ठीक है, और यहाँ पे देखो एक ऐसे सर्कल के जैसे फॉर्म हो गया है ना, तो यहाँ का जो सर्कल, यहाँ का जो है ना, वो आपको इस हाथ से, मतलब एक आगे है एक पीछे है, तो दोनों हाथ से अभी ये दोनों को पकड़ लिया, ये बीच में का जो ओ था ना, उसको मैंने पकड़ा है यहाँ से और यहाँ से, और फिर इसको ऐसे खींचना है, तो ऐसे आपका लूप बनता है। तो ऐसे आप चार चार रबर, दो दो रबर लेके ऐसे लूप बना के रख देना गाइस, क्योंकि अगर किसी के बाल बहुत लंबे है ना, तो हम लोगों को ऐसे लूप्स लगते हैं। और फिर आप लोगों को दोनों साइड में ऐसे इसको डालना है, पिन, बॉबी पिन को डालना है, यहाँ पे बॉबी पिन आएगा, यहाँ पे बॉबी पिन आएगा, और फिर ऐसे आपका लूप बनेगा। किसी के बहुत लंबे बाल है तो आप लोगों को ऐसे लूप्स बनाने हैं। हम लोग अभी प्रैक्टिकल जब भी सीखेंगे तभी देखेंगे। आप लोगों को टूल्स के बारे में बताती हूँ, टूल्स के बारे में बताती हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टूल्स फर्स्ट आपको चाहिए एक ब्लो ड्राई टूल, ये हो गया है ब्लो ड्राई। फिर ये ब्लो ड्राई की मशीन के बाद आपको एक डिफ्यूजर चाहिए, अगर किसी को कर्ली हेयर है उनके और कर्ली ही रखने हैं उनको, बिल्कुल भी कुछ भी हेयर स्टाइल, तो डिफ्यूजर लेते हैं हम लोग उनके बालों को ऐसे ड्राई करने के लिए, ठीक है। आप लोगों को बस ऐसे कर्ल्स को, ये देखो ये ऐसे बाल है ना मेरे, तो खुले रहेंगे, राइट, तो एक डिफ्यूजर को उसके अंदर ऐसे रखना है और फिर ऐसे यहाँ पे ऊपर तक ऐसे लेके जाना है, और एयर जो हवा है ना उससे वो कर्ल्स फॉर्म होते जाते हैं। तो मैं अपने बालों को सुखाने के लिए ये डिफ्यूजर ही यूज करती हूँ, बट स्ट्रेट हेयर के लिए हम लोग सब ब्लो ड्राई यूज करते हैं। तो जब भी हम लोग को हेयर प्रेप करना होता है तो सबसे पहला स्टेप होता है हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे यूज करना है, उसके बाद आपको ब्लो ड्राई करना है। तो ये ब्लो ड्राई है, फिर मेरा एनपी ग्रीन का है, बट आप लोगों को आइकॉनिक ब्रांड का यूज करना है। आप जहां से भी खरीद रहे हो उनको पूछ सकते हो कौन सा अच्छा है और फिर ले सकते हो, बट आइकॉनिक का अच्छा है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो जाएगा गाइस, बट वो बहुत टिकेगा और बहुत ही अच्छा है, बालों के लिए भी सेफ है, तो आप लोग वो वाला यूज कर सकते हो। और फिर ऐसे कैप्स आते हैं, ये ऐसे कैप्स होते हैं, ये फ्री ब्लो ड्राई करने के लिए है, और ये ऐसे कैप्स के साथ ब्लो ड्राई चाहिए। क्रिम्पर, तो क्रिम्पर में गाइज आप लोगों को बस याद रखना है कि आप ऐसे माइक्रो क्रिम्पर्स लेने हैं, जिसके ऐसे ये प्लेट्स है ना एकदम नजदीक नजदीक है, ऐसे क्रिम्पर्स आपको लेने हैं। प्लेट्स में डिस्टेंस है ना बहुत दूर दूर होते, वैसे नहीं लेने, माइक्रो क्रिम्पर लेना है आपको। आइकॉनिक के माइक्रो क्रिम्पर्स अच्छे हैं, आप लोग वो ले सकते हो, प्रो टाइटेनियम का आएगा माइक्रो क्रिम्पर, वो ले लेना। और फिर नेक्स्ट है स्ट्रेटनर, तो स्ट्रेटनर में देखो नॉर्मल स्ट्रेटनर है मेरे पास जो है वो यहाँ के ब्रांड्स है, बट आप लोगों को आइकॉनिक ब्रांड मैं आपको रेकमेंड करूंगी, क्योंकि एक वन टाइम लोगे सालों साल चलेगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बालों को भी बहुत अच्छा रखता है, वो बालों को खराब नहीं होने देता है, सब सिरेमिक है उनके, बहुत अच्छे। फिर हम लोग अभी बढ़ते हैं कर्लर्स की तरफ। अब मैंने आप लोगों को ये सब बता दिया है, क्रिम्पर ये वो सब कुछ आपको दिखा दिया है। कर्लर्स में गाइज देखो ये है सबसे बड़ा टोंग,
अभी यहाँ का जो मेरा ब्रांड है वो बेस्ट टॉप का है, क्योंकि मैंने कनाडा में खरीदा था। और ऐसे टॉन्ग चाहिए आपको बड़े बड़े कर्ल्स करने के लिए। हम लोग कैसे करने हैं इससे कर्ल्स, ये मैं आपको दिखाऊंगी। तो 32 नंबर का आपको लेना है, आइकॉनिक का 32 नंबर का टॉन्ग। ओके, तो ये आप लोगों को ये एक लगेगा अगर आपको बड़े वॉल्यूमस कर्ल्स चाहिए। तो कर्लर्स आपको लेने हैं आइकॉनिक के, एक है 32 नंबर, एक है गाइज ये 22 नंबर का, इतना मोटा है। ये एक चाहिए आपको 22 नंबर का, एक 32 नंबर का। तो ये वाले ऐसे कोन शेप के कोनिकल कर्लर्स जो है ना, वो एक चाहिए। कोई भी ब्रांड ले सकते हो, वेगा का भी ले सकते हो, चलेगा, जो भी आपके इसमें बैठता है बजट में। वो ऐसे कोनिकल ब्रांड का एक ले लीजिए। और एक आपको चाहिए ये हॉट वॉन्ट। ओके, वो मैगी कर्ल्स बनाने के लिए, मेसी कर्ल्स, मेसी बंस जब हम लोग करते हैं ना, तभी हम लोग को ये वाला एक चाहिए ही आपको, हॉट वॉन्ट। तो चार कर्लर्स आपको चाहिए, चार नंबर के, 22 32, हॉट वॉन्ड और ये कोनिकल। इसमें बहुत प्यारे दिखते हैं। और एक जो चाहिए वो है ट्रिपल टोंग। अगर आपको वेवर्स अच्छे लगते हैं, वेवी बाल अच्छे लगते हैं ना, वेव्स, तो ये ट्रिपल टोंग। ओके, ये आप लोगों को आइकॉनिक का भी मिल जाएगा ऐसे ट्रिपल टोंग। इस नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को स्प्रे के बारे में बताऊंगी। आई होप आपको अच्छा लगा आज का वीडियो। मैं स्टार्ट से वापस इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ ताकि बहुत सारे नए लोग भी आए हैं, सबको अच्छे से पता चले। आई होप आपको अच्छा लगा आज का वीडियो। लाइक करना मत भूलिएगा। सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।